जी रूबा खबर है कि दुनिया में <ड़ाँ> खबर की मतलब आप खबर है दुनिया की दुनिया खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह <ड़ाँ> 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 खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह वाले शख्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ तोड़ दिया ਬਬੈ ਨੱਕ ਕਛੂਆ ਰਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਛੂਕਮਾ ਕਛੂਕਮਾ ਗਿਆ ਕਛੂਆ ਰਖਿਆ ਟੋਟਲ ਵਨ ਟਟਲ ਗਿਵ ਮੀ ਮਾਈ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਰਟਲ ਟਰਲ ਟਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਸਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਵਲ ਸਰਾਈ ਕਿਚਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਮਾ ਉਹ ਪਾਇਓ ਕੁਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ <padsmiraal> हम मुगलिया खानदान के वाँ। हैं। चश्मो शराख सर आपके कनाडा और यूएस के दौरे में शो में शिरकत कैसे की जा सकती है वक्तन वक्ता होते रहेंगे जो हमारे पीआर डिपार्टमेंट है बड़ा तगड़ा है हमारा डिजिटल बड़ा तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको मुतला किए रखेंगे उसका तरीक़ाकार वज़ा कर देंगे आप उसमें शिरकत ज़रूर करें हमारे साथ जो है ना हमारे कोज़ में शामिल हों हमारे फरंग आसफिया में शामिल हो, हो वहाँ पर सबसे सब ज़्यादा मज़ा नसीर भाई का चैलेंज में आएगा और मैं सोच ही रहा हूँ कि इस दफ़ा जब हम कैनेडा अमरीका यूरोप यूरोप तो इस दफ़ा शायद ना जा सकें मोस्ट प्रॉबली इट वुड बी दू एस एंड अ पार्ट ऑफ कैनेडा हम हीली एट ओ एम सी के हेम्पर साथ लेकर जाएंगे वो देर देन हम इनाम के तौर पे। सर उससे याद आया वहाँ की लाइव ऑडियंस के साथ वहाँ को सॉर्टी करेंगे

तो बाकी बेचारे 1900 का क्या कसूर है 2000 का क्या कसूर है दे मे नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन वो पे होते हैं ना हर तरह के लोग होते हैं वो कहेंगे जी बब्बू राना से गुफ्तु करेंजॉय करेंगे तो किधर बब्बू किधर कसौटी थ्री सिक्सटी का थ्री सिक्सटी नहीं वन एटी आप फिर के सारा घूम फिर के उसी मकाम पे वापस आ जाते हैं इसको 360 कहते हैं क्या मौला मैं क्लाक तोड़ता ये क्यूट सर आपकी बहरीन आने की खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा इनशाला आपसे जरूर मुलाकात होगी माशा अच्छा यानी आपके ट्रिप्स के लिए लोग पहले से ही जो है ना बुकिंग तैयारियां करा के हम दुबई में भी खोल रहे हैं ओपन माइक कैफे अच्छा अच्छा और wow. कहाँ खोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं नहीं नहीं पहले करीब करीब दुबई बहरेन मस्कत मैं उनसे पूछना चाह रही थी ना किस शहर में जा रहे हैं અને એ તો સાત اس لیے જાયગા કે ઇનહતાત ہمارا હે બદકિસ્મતી અમારી કે યે અમારો ઓપનર બેટ્સમેન હે ઓય સર ઇસ દફા યે એઝ અ લોડર નહીં જાયે લે મે લત્તા ના તોડ દિયા કિસકે હોર ને બેગ ચુકે થે અચ્છા અચ્છા ઇસ દફા કે મે ફિર તાકતવાર હોકે વાપસ આવના ઇસ દફા બાકાઈદા પોર્ટર કી સીટ ક્રિએટ કી ગઈ હે આય કોન હે વો પોટ હે લડ્ડુ

इसका कोई असर लिया है ना भी नहीं हो ना। <laughs> ये तो कैमरों के सामने है ना बेटे अदरवाइज <laughs> hmm. तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता कर हाँ। <laughs> <नहीं। laughs> तो कैफी के मुंह के जाविये कमाल होते हैं कैफी एक बहुत बड़े अदाकार डायरेक्टर और अदाकारा का बेटा है उसके नहीं होंगे तो और किसके होंगे

प्रोटोटाइप अजीब वो गरीब सा एक बना हुआ था जैसे पीटीवी बना के भेजता होता है ना स्टूडियो डी स्टूडियो में जो चीजें सिखाता है सीधा या फनकार पे तो बिल्कुल सीधा यूनिफॉर्म जैसे वो एक लाइन होती है ना ईसीजी की यूं यूं चलती चलती जो यूं चलती है ना ऐसे ही। वो अब आकर उसके अंदर फिर कोई स्पॉन्टेनिटी है और एक बड़ी नेचुरल नहीं वो पॉलिश हुआ बहुत पॉलिश हुआ सर क्या आप मार्वल

क्यों नहीं क्योंकि अब जो मूवीज़ बन रही हैं और जितनी भी प्रॉफिटेबल मूवीज़ हैं हैं वो यही जी अब, अब स्पाइडरमैन हाँ, तो तो। देखी थी मलान। वो मुझे बहुत पसंद आया उसका वो सिर्फ वही पोर्शन जिसमें वो कॉमेडी है वो घोड़े के साथ गुफ्तगु और मेरा ख्याल है उसमें क्योंकि मुझे में अगर कुछ पसंद है तो डोंकी का कैरेक्टर और वो एडी मर्फी है मर्फी। तो इधर भी जो घोड़े से मुतलिक जो गुफ्तु है अब वो बहुत ही मजे की इवन ये जो आई सेज है उसमें भी है जो थोड़ी cute. थोड़ी कॉमेडी है ना थोड़ी ये मुझे बहुत पसंद है अलबत् लॉयन किंग ए टू जी दैट इज एन एपिक आउट वो एपेक yes. है, है वो एक बड़ी बाकमाल चीज है लेकिन ये मोलान मुझे अचानक याद आ गई ये चाइनीज बैकड्रॉप जो है तो चाइना के बारे में आप बात करते करते पिछले एक शो में रुक गए थे चाइना के बारे में ये कह रहा था कि चाइना एक डिफरेंट किस्म का पार्टनर है दोस्त है दोस्ती तो सबकी अच्छी होती है जो आपके नेबर्स है ना क्योंकि आपकी ये मजबूरी है यू कांट चेंज द नेबर्स आपको चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखने चाहिए लेकिन चाइना का जो मॉडल है ना सी पैक जी। वो उसके हवाले से मैं कुछ रिजर्वेशन रखता हूं जो नतज सामने आ रहे हैं ना उसके ये कोई इतने सूदमंद नहीं है फॉर द कंट्री आपको जिस भाव ये सौदा मिला है ना वो सरासर घाटे का है एक बात दूसरा चाइना के साथ दोस्ती का मतलब अगर ये है कि आप पूरी दुनिया के साथ बिगाड़ कर बैठ जाएं तो ये इजाफी नुकसान है तो सर फिर करना क्या चाहिए करना ये चाहिए डिप्लोमेसी का तकाजा है कि सबके साथ बना के रखें झूठ मत बोलें सबसे कहें कि भाई जहां मेरी नेशनल इंटरेस्ट वॉच हो रही है ना मैं जान लड़ा दूंगा आपको इससे फायदा हो रहा है मैं उसमें आपकी खिदमत करूंगा लेकिन मेरी नेशनल इंटरेस्ट सबसे मुकदम है मैंने वो देखनी है बाजत आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए अपनी वाइडर कल्चरल इंटरेस्ट जी उसको फॉरगो कर देते हैं जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड में हुई थी अनवर सादात ने लेट सेवेंटीज़ में ये कैंप डेविड अकॉर्ड का ये सिलसिला इसने सर उठाया था और साइन भी हुआ था गालबन उन्हीं दिनों में कि इसराइल के साथ उसने दोस्ती कर ली और उसकी बड़ी भारी कीमत वसूल की लेकिन बदनसीबी एजिपशियन कॉम की कि उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स ऐसी चली कि जिसने नुकसान किया उस कॉम का के अनवर सादात फॉरेन मर्डर हो गया मर्डर जी, जी ये तो पहली कीमत थी जो कैंप डेविड की अदा की गई दूसरी और भारी और कई साल पर मुहित कीमत थी जिसका नाम है ओ येस। उसने मुबारक ओह यस उसने मुबाइना तौर पर सत्तर अरब डॉलर्स की करप्शन की उफ। उसने एक इतना खौफनाक निजाम गस्टापो क्या चीज थी उसने ऐसा रेन ऑफ टेरर कायम कर रखा था कि आप रॉबस्पेयर को भूल जाए जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक रेन ऑफ टेरर नाफिज किया था आप मफियोसों को भूल जाए आप गस्टापो को भूल जाए आप सोवियत आयरन कर्टन को भूल जाए जितनी इसने ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ सर फिर आप कहना चाह रहे हैं कि अनवर उस ने गलत स्टेप लिया था अनवर उस ने कहते हैं ना कि पंच उतना लेना चाहिए जितना आप, आप बर्दाश्त कर सके। बाइट उतनी लेनी चाहिए जितना आपका जबड़ा हो जी मतलब आपके जी। हाथ में माइटी ज़िंगर हो और मुंह आपका लाले जितना हो जी। तो सोच समझ के आपको करना चाहिए ना आप पूरे का पूरा बाइट लेने की कोशिश करें दैट इज नॉट वर्केबल जैसे इमरान खान ने बीड़ा उठाया जिस काम करने का उसकी कैपेसिटी नहीं आपके अंदर सिस्टम की खराबी आपके कद से बड़ी है वो दावा करें जो आप कर सकते हैं तो बहरहाल हुसनी मुबारक ने एक नया सिलसिला जो है वो बात हम चाइना की कर रहे थे तो बहरहाल हुसनी मुबारक की तो एक ऐसे तो बरसबीलत तस्करा आ गया चाइना के साथ तालुक जरूर रखें लेकिन अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अमेरिका और चाइना का जो बुनियादी फर्क है वो ये कि अमेरिका इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट करता है वो अपने बंदे प्लांट करता है और उनको नर्चर करता है चाहे वो बोरिस याथसन हो सोवियत यूनियन के अंदर जिसने बाद में फिर शिराजा बिखेर दिया गौरबा ही क्यों ना हो गए गौरबा चौफ बर रास्त उनका आदमी नहीं था इसी तरह हमारे मुल्क में ला लाता स्टार्टिंग फ्राम टॉप ब्यूरोट्स कमिंग टू पॉलिटिशंस उन्होंने लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है चाइना ये नहीं करता चाइना बिजनेस करता है वो तो प्योर बिजनेस करता है और देखता है कि मुझे क्या फायदा है अगर तुम सुपर पावर हो तो फिर ये ना देखो तुम तो खुद तगड़े हो तुम अगर यही देखते रहे कि मेरा इसमें क्या फायदा तुम ये देखो कि तुम्हारे साथियों का क्या फायदा थोड़ा बहुत फायदा तुम भी ले लो तुम मुकदम अपने फायदे को जानते हो तो नुकसान छोटे का होता है यह है सबसे बड़ा अलमिया तो हम चाइना की लाइन टोक करते 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 इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब पूरी दुनिया हमसे थोड़ा थोड़ा किनारा करती चली जा रही है तो अकेला चाइना ऐसा दोस्त नहीं है अगर होता भी ना जी तब भी मैंने जैसे पहले कहा था कि डोंट प्लेस ऑल एग्स इन वन बास्केट के चाइना पर इतना रिलाय मत करें और ये तो ऐसे एक मखोल बनाना कि चाइनीज माल ऐसे ही होता है तो ये भी एक क्लीशे है जो शहबाज शरीफ यूं यूं करके करता होता था कि इट इज़ स्वीटर देन हनी हायर देन द हेमलाइज डीपर देन द ओशन ये ऐसी बात नहीं है

चाइना ने पर्सनल इंटरेस्ट देखनी है वो ग्लोबल इंटरेस्ट कभी नहीं देखेगा अमेरिका फिर थोड़ा बहुत ये कर लेता है कि अपने साथियों दोस्तों को क्योंकि उनमें उसने इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है कि उसे देखना पड़ता है उसे हकूक के बारे में भी बाज़ अवत मजबूर नहीं सही देखना पड़ता है उसे डेमोक्रेसी का ख्याल भी रखना पड़ता है और जहाँ उसे मौका मिले वो रज के बेशर्मी भी करता है क्योंकि उसने बाजा अवत ड भी करनी ये जितने आज की सिविलाइज वर्ल्ड है ये डकैतियां कर करके हमारे ऊपर थ्राइव करते रहें कम वक्त सारा कुछ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये बरतानिया ले गए थे तो इसी तरह पूरी दुनिया से एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका भी ले जाते हैं वो इस वक्त भी ये जितना बैंकिंग सिस्टम है ये सारी लंबी एक बहुत और तरफ ले जाएगी बहस सिर्फ ये है कि चाइना के मामले में फोंक फोंक कर कदम रखें चारा रेशम इतनी रेशमी नहीं है जितनी नज़र आती है